निजामपुरा बॉयस, बस अब जो आपको समय दिया गया था वो पूरा हुआ। दसवां खिलाड़ी नहीं आया निजामपुरा बॉयस का, अजमल खान। देखिए वहां से आप उंगली उठाए, यहां से पेनल्टी लग जाएगी। अब दोनों ही ओपनर्स इस वक्त क्रिस की तरफ बढ़ते हुए, जबकि खालिद आरके और काशी भाई हमसे विदा ले रहे। अनीस भाई भी नहीं, अनीस भाई तो जुड़े हैं। साकिब मुल्तानी अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका तहे दिल से हम इस्तकबाल करते हैं, और साथ ही साथ अजान भाई आपका भी इस्तकबाल है। बेटा थोड़ा जल्दी चलो, ये देखिए कौन हमारे साथ दसवां खिलाड़ी बनने आ रहा है। अनीस भाई मेहताब हमारे साथ जुड़ गए, वेलकम मेहताब। पहला ओवर लेकर आए एमजेडी की तरफ से गेंदबाज अता। पहली गेंद का सामना करते हुए डॉट के साथ शुरुआत की है गेंदबाज। आसिफ अच्छी गेंद, वहां पर गेंद को खोद कर निकाला, डीप में गेंद रही। पहली दो गेंदों में केवल एक रन खर्च किया है गेंदबाज आसिफ ने। इसके बाद की दोनों टीमें आपको टॉस के लिए आ जाना है, रेडी रहना है। मदनी 11 और केजीएन 1 के कैप्टन। अब जिशान स्ट्राइक पर, अपने आपको रूम दिया, खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक बार फिर से। तो यहां पर किंग खान ट्रॉफी की आज की दूसरी शाम और दूसरा मुकाबला हम देख रहे हैं। और उसी बीच बल्ले के फेस को बंद किया था बैट्समैन ने, लेकिन उससे पहले गेंद ने अपना काम कर दिया, क्लीन बोल्ड हो गए। पहला झटका लगाए नए बैट्समैन आकिब। आज मेहताब ने अपनी कुर्बानी दिया टीम में नहीं बल्कि दसवां खिलाड़ी बनकर बैठे। देखना है ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, डिक्लेयर जोन में भी गई है। 1+2 तीन रन, जबरदस्त ये टूर्नामेंट, 64 टीमों का टूर्नामेंट रखा है यहाँ पर अनीस भाई ने। देखिए हमारे जो सरपरस से भले जो भी हमारे फाइनेंसर हैं, जो भी हमारे स्पॉन्सर हैं, लेकिन हमारे अनीस भाई सबसे अलग। क्लीन बोल्ड, तो दूसरा विकेट इस ओवर में गिरता हुआ, आउट हो गए आकिब। आकिब की पारी समाप्त। एक के बाद एक विकेटें ताश के पत्तों की तरह ढहती जा रही है अब निजामपुरा बॉयज की पारी। साकिब बल्लेबाजी के लिए क्रिस की ओर बढ़ते हुए। आकिब और साकिब की जोड़ी है,
मुश्ताक खान अजान भाई और उनके बगल में साकिब मुल्तानी अनीस भाई और अजहर खान। कौन मार रहा, ध्यान देते रहना। फरहान खान, अजहर खान, जाकिर सादिक और उनके बगल में निहाल भाई, आप सभी का पुरजोश खैर मकदम है। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है केवल 5 रन, उतना अच्छा स्टार्ट नहीं दिला पाए। 5 रनों के योग पर 2 विकेटें गिर गई हैं, 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं अभी तक। दूसरा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज इरफान, जबकि बल्लेबाजी पर है जीशान। और अंपायरिंग पर आप देख रहे हैं, एक तरफ हमजा खाटी मीठी तो दूसरी तरफ आफाक ऑन द राइज इस गेंद को खेल दिया। देखना है लॉन्ग ऑन की दिशा में ये गेंद गई, कोई रन, 1 रन। धीमी शुरुआत हम कह सकते हैं यहाँ पर निजामपुरा बॉयज की। हालांकि इनका जो परफॉर्मेंस रहा था सरदार ट्रॉफी में, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन यहाँ पर उतनी अच्छी स्टार्ट नहीं मिल पाई है क्योंकि 2 विकेटें गिर गई और रन अभी तक डबल फिगर में भी नहीं पहुंचा है, केवल 6 रन। दूसरे मोहल्ले में गेंद को कर दिया गेंदबाज। देखिए छोटी पिच है तो यहाँ पर स्विंग गेंदबाजों का जलवा रहेगा। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, एक और खराब गेंद यहाँ पर एमजेडी की। इसके बाद की दोनों टीमें आपको टॉस के लिए आना है। मदनी 11 और केजीएन 1 के कैप्टन खुश किस्मत रहे, बाल बाल बचे वहां पर बैट्समैन आकिब साकिब। तो बीच बीच में डॉट गेंदे भी आ रही है, एक्स्ट्रा रन भी आ रहे हैं। क्लीन बोल्ड, आज जितने भी ज्यादातर खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हुए मुश्ताक खान। को बंद किया जाए,
मदनी 11 के कैप्टन और केजी एन A1 के कैप्टन। अजमल खान और इसी इस 6 रन के साथ स्कोर 30 पर जा पहुंचा है। देखिए अजान की सदाएं गूंज रही थी, इसके लिए कमेंट्री को थोड़ी देर के लिए म्यूट किया गया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए 30 रन बनाए और 31 रनों का लक्ष्य रखा है निजामपुरा बॉयज ने एमजीडी के सामने। अजमल खान, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं अजमल खान, तो अगले मुकाबले का टॉस करवाना है। एमजेडी के कैप्टन और केजीएन के कैप्टन, सॉरी केजीएन के कैप्टन और मदनी के कैप्टन, दोनों के कैप्टन आ चुके हैं। नौशाद खान, अजहर, तो 31 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोनों ही बैट्समैन स्ट्राइक पर हैं। मैच की अब शुरुआत होती हुई 31 रनों का लक्ष्य, देखिए नौशाद खान और अजमल खान वीआईपी डाइस से आपको हटना नहीं है। आइए, हमारे बीच आगमन होने जा रहा है शमशाद भाई और मुन्ना भाई। मुन्ना भाई और रमजान भाई, आपका पुरजोश खैर मकदम है। आइए, आपसे इल्तिमास है कि आपको वीआईपी डाइस पर हमारे साथ जुड़ना है। डीजे
पहली जो गेंद रही थी वो डॉट रही थी। देखिए बहुत हो चुका है, अब अंपायर मैच की शुरुआत करानी है। आइए रमजान भाई और मुन्ना भाई, और दो मुन्ना हमारे साथ आए, हमारे बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेलकम आप तीनों हजरात का। मैं शमशाद खान अनीस भाई और नौशाद खान की तरफ से खैर मकदम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। दस पर अब स्कोर जा पहुंचा है, रनों का टारगेट रखा है केवल 31 और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यासीन। फिर से अपने आप को रूम दिया, वहां पर देखना है केवल एक ही रन मिलेगा एक रन की मदद से। 11 पर अब स्कोर जा पहुंचा है, मुकाबला जीतने के लिए केवल 20 रन और चाहिए। एक छोटा सा टारगेट रखा था पहले बल्लेबाजी करते हुए निजामपुरा बॉयज ने। देखिए मैच जैसे ही खत्म होगा जिसकी फील्डिंग है उन्हें अपनी फील्डिंग फौरन खड़ी करनी होगी। वाइड का इशारा, वन, एक ही रन आएगा। अंपायरिंग पर आप देख सकते हैं आफाक और उनके साथ में हमजा खाटी मीठी। छोटा पॉकेट बड़ा धमाका, काफी पेस है इनकी गेंद में। अशरफ खान ने तारीफ की है यासीन की। 13 पर स्कोर है। देखिए मैंने पहले ही कहा कि यह पिच काफी छोटी है और जगह की बनिस्बत यहां पर जो स्विंग गेंदबाज है जो स्पिन कराते हैं गेंद को उनका जलवा रहेगा।
क्या बात है। अगर हैट्रिक विकेट कोई भी गेंदबाज लेता है तो अनिस भाई की तरफ से 1500 रुपए का इनाम है। अच्छी गेंद, इस दफा परिवर्तन किया था अपने पेस में। डॉट गेंद, अच्छा शॉट, गैप में गेंद, वन बाउंस में 4 रन। 18 रन। अब तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है MJD स्पोर्ट्स। आज की शाम का ये दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए निजामपुरा बॉयज ने केवल 30 रन बनाए थे और उसी बीच हवाई यात्रा 6 रन। सात रनों की और जरूरत यहां से मुकाबला जीतने के लिए MJD को। ओवर समाप्ति का इशारा, तो 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 24। पापा ठाकुर, बिल्कुल इनके वाली साहब का हाथ का गोला बहुत फेमस है समत नगर में। जी, वाइड का इशारा, 1 रन और जुड़ता हुआ। बिल्कुल हमारे बचपन की सुनहरी यादों में से एक याद इनके वाली साहब के साथ भी जुड़ी है, जो बल्लेबाजी पर है पापा ठाकुर, एक अच्छे बैट्समैन। फिर से लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, इस दफा नो बॉल का इशारा दिया है हमजा खाटी मीठी ने। 1+1, 2 रन जुड़ते हुए खाते में, 2 रनों की मदद से अब स्कोर है 27। अब यहां से मुकाबला जीतने के लिए केवल 4 रनों की और जरूरत है MJD स्पोर्ट्स को। यहां पर अनिस भाई ने हैट्रिक विकेट पर 1500 रुपए का इनाम लगाया है। फिर से टो से गेंद टकराई है, देखना है, आउट हो गए हैं बैट्समैन शायद। पहला झटका लगता हुआ, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि आधे से ज्यादा काम करके जा रहे हैं बैट्समैन असलम। इस स्पर्धा में मुश्ताक खान साहब अभी तक एक हाफ सेंचुरी लगी है, जो कल असलम ने लगाई थी। नए बैट्समैन तौसीफ, क्या बात है, थैंक यू हमजा खाटी मीठी। कल 2 हाफ सेंचुरी लगी थी, एक नाजिम ने और एक असलम ने लगाई थी। शांतिनगर के असलम और पिरानी पाड़े के नाजिम, उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई। ओहो, देखना है, दूसरा विकेट भी गिरा है, लेकिन नो बॉल का इशारा। दोनों ने एक दूसरे के आमने सामने रहकर, अपोजिट में रहकर वो हाफ सेंचुरी लगाई थी। केवल 2 रन और चाहिए, देखना है पापा ठाकुर क्या अपने ही अंदाज में ये मैच खत्म करते हैं। देखना है, 1 रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया है। और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है MJD ने।